हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम बीए इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का पेपर होता है और कुछ में 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि आपको सारे आंसर्स सीरियल ऑर्डर में करने हैं, एक सीक्वेंस में करने हैं। अब सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आंसर ईच सब क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो सेक्शन ए सिर्फ एक क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जिसके 5 सब क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ 3 सब क्वेश्चन के आंसर करने हैं, मतलब 3 पार्ट के आंसर करने हैं, ये ए या बी या सी। और सारे क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें। पहले देखते हैं, राइट अ नोट ऑन थिएटर ऑफ अब्सर्ड, व्हाट आर 3 यूनिटीज इन ग्रीक ड्रामा। ये सारे क्वेश्चन हैं, 5 पार्ट हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन के, तो आपको सिर्फ इनमें 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपको थिएटर ऑफ अब्सर्ड में शॉर्ट नोट लिखना है, सिर्फ 50 वर्ड्स में ही आंसर ये करना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 यूनिटीज इन ग्रीक ड्रामा। तो 3 यूनिटीज़ को लिखना है, जैसे टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम में क्या था कि 24 घंटे की जो कहानी है वो आपके 24 घंटे की ही होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर की। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल सीधे बढ़ा दो स्टोरीज़ में, ऐसा नहीं होना था। और प्लेस में क्या था, एक ही लोकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी हम कहीं और हैं और अगले ही पल में कहीं और हों। तो ये इसमें ध्यान देना था, तो इसी के बारे में लिखना है, टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में। अब तीसरा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोलॉग एंड एपिलॉग इन अ प्ले। तो प्रोलॉग देखते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, जब भी हम कोई स्टोरी या प्ले पढ़ते या देखते हैं तो उसमें जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे स्टोरी का बैकग्राउंड या सेटिंग, ये सब होता है। और एपिलॉग इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्रोलॉग स्टार्टिंग में होता है और एपिलॉग लास्ट में होता है किसी भी स्टोरी या प्ले के। अब चौथा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ द प्ले आई स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, और राइट अ नोट ऑन द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो ये हमारा सेक्शन ए था, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे और आपको उसमें से 3 क्वेश्चंस के आंसर करने थे। जो आपको लगे कि आपको आता है सबसे अच्छी तरीके से, तो आप वो करें इसमें। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चंस। इसमें भी यही है कि एक क्वेश्चन है सेक्शन बी में और 7 सब क्वेश्चंस हैं। ईच कैरीज 9 मार्क्स, सारे 9 मार्क्स के हैं और आपको सिर्फ 4 सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको सिर्फ चार आंसर्स ही लिखने हैं। तो देखते हैं हम लोग, डिस्कस ऑल माई सन्स एज अ प्रॉब्लम प्ले। तो ऑल माई सन्स बाई ऑथर मिलर, तो आपको ये डिस्कस करना है कि ये प्रॉब्लम प्ले कैसे था। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो वही सब आपको लिखना है इसमें। और फिर आता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना। तो रैना थी आपकी आर्म्स एंड द मैन में बाई जी बी शॉ, जो एक एंटी रोमांटिक प्ले था, उसमें आपको रैना का कैरेक्टर स्केच लिखना है। वॉट इज़ द थीम ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर, आपको सी स्टूप्स टू कॉन्कर का थीम लिखना है प्ले का। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीक ट्रेजेडी, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो और फिर है आपका ये रेफरेंस वाले क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आपको, अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको आपके पास रहता है कि आपको लिखना क्या है, और इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं आपको। इसमें आपको इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, जैसे ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं और किसने लिखा है, और कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इस पूरे में एक शॉर्ट में। और एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब देखते हैं हम सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। इसमें वही एक ही क्वेश्चन है और 4 सब क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई अटेम्प्ट एनी 2, आपको कोई भी 2 के आंसर्स लिखने हैं। और सारे क्वेश्चंस 15 नंबर के हैं। पहला क्या है, डिस्कस मैकबेथ एज ए शेक्सपियर ट्रेजेडी। और दूसरा है, क्रिटिकली एक्सप्लेन कॉमेडी एंड इट्स टाइप। तीसरा है, डिस्कस आर्म एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। और कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉय किलर। आपको जो सबसे अच्छे से आता है वो आप 2 लिख सकते हैं। और जैसे
डिस्कस ये या आपने स्टोरी पढ़ी होगी आर्म एंड द मैन, तो वो एंटी रोमांटिक है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, तो वो क्यों है आप वो सब इसमें बता सकते हैं, और कॉमेडी और उसके टाइप्स बता सकते हैं, और मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो भी आपको अच्छे से आए वो आप दो कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड सेमेस्टर का पेपर था, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। थैंक यू।